काम जनता के लिए हो रहा है या रेवेन्यू के लिए। एडवर्टीजमेंट तो लगा दी लेकिन शेड नहीं हो पाया पूरा। क्या ये है आपका क्लीन जम्मू? जम्मू में काम जनता के लिए नहीं सिर्फ रेवेन्यू के लिए होता है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, यहाँ की तस्वीरें जब आप देखेंगे तो आप भी यही कहेंगे कि जो भी काम स्मार्ट सिटी को लेकर हो रहा है या फिर जीएमसी की तरफ से बाकी जो काम किए जा रहे हैं, चाहे वो फुटपाथ की बात की जाए, पूरे तरीके से वो काम जो है सिर्फ नंबरों में ही काउंट हो रहा है, लेकिन ऑन ग्राउंड उसकी सिचुएशन जो है वो वर्स्ट ही नज़र आ रही है। यहाँ पर आप देख लीजिए, ये बस स्टॉप पर एक शेड बनाया गया है, जो भी यहाँ से राहगीर गुजरेगा उसके लिए बनाया गया है कि अगर उसे वेट करना है तो वो यहाँ पर बैठकर वेट कर सकता है। लेकिन यहाँ पर आने के लिए, ऊपर आने के लिए पहले नीचे देख लीजिएगा, ना ही सीढ़ियाँ बनाई गई हैं ना कुछ है। और यहाँ देखिए एक स्लोप बना दिया गया है, लेकिन वो भी पूरे तरीके से कच्चा है, जिसमें से ये पूरी रेता और बजरी जो है वो निकल रही है, सामने देखिएगा। और कोई भी महिला होगी, वृद्ध महिला होगी, वृद्ध पुरुष होगा, गर्भवती महिला होगी, जिनके पास छोटे बच्चे होंगे, वो तो आसानी से इस पर नहीं जा सकता है। यहाँ पर से जाने के लिए स्लोप है, पूरे तरीके से ये तस्वीरें हमने दिखा दी। और दूसरी तरफ से अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर बस स्टॉप का जो एक बोर्ड लगाया गया है कि यहाँ पर बस खड़ी होगी, वो उस जगह पर लगाया गया है जहाँ पर से ऊपर आना है, यहाँ पर बैठने के लिए, जहाँ ये बैठने के लिए स्टैंड बनाया गया है। वहाँ पर एक बोर्ड भी लगा हुआ है, जिस बोर्ड पर लिखा हुआ है स्वच्छ भारत अभियान, क्लीन जम्मू, ग्रीन जम्मू। और वहाँ पर भी पूरे तरीके से जो मिट्टी है जो निकाली गई है वो वहाँ पर रख दी गई है, उसे हटाने का किसी ने भी काम नहीं किया है, कोई प्रॉपर काम जो है पूरे तरीके से नहीं हुआ है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि जम्मू में जो काम हो रहा है वो स्मार्ट सिटी को लेकर हो रहा है, और जो रेवेन्यू इकट्ठा यहाँ के लोगों से किया जा रहा है उसका क्या अंजाम हो रहा है वो भी आपके सामने आए। और एक तस्वीर आपको और दिखा दूँ, ये काम पूरा नहीं हुआ है, लेकिन ऊपर देखिएगा यहाँ बोर्ड जो है वो लगा दिया गया है एड देने के लिए, यहाँ से रेवेन्यू पूरे तरीके से इकट्ठा किया जाएगा, यानी कि आम जनता से भी पैसा लिया जा रहा है जो आम जनता के लिए काम करना है, और दूसरा यहाँ पर एडवर्टीजमेंट का भी पैसा लिया जा रहा है, लेकिन ऑन ग्राउंड जो काम होना चाहिए उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। यहाँ देखिएगा, जिस किसी को भी इस स्टैंड का, यानी कि यहाँ पर बैठना है, यहाँ से तो वो चढ़ नहीं सकता, इतनी हाइट यहाँ पर रखी गई है और प्रॉपर यहाँ पर बनाया नहीं गया है। और दूसरा यहाँ से मैं आपको दिखा दूँ तो यहाँ देखिएगा, यहाँ पर भी सीढ़ियाँ नहीं बनाई गई हैं पूरे तरीके से, यहाँ मलबा जो है वो रख दिया गया है। अब जिस किसी को भी यहाँ से निकलना है तो वो यहाँ से देखिएगा, अगर कोई वृद्ध पुरुष होगा, जो महिला होगी वो यहाँ से कैसे जाएगी, और गर्भवती महिला होगी वो यहाँ से कैसे जाएगी, और अगर किसी के पास बच्चा है तो ये देखिए उसे यहाँ से कैसे आप कहेंगे कि आप यहाँ पर आके इस जगह पर बैठ जाइए और वेट करिए, वो कैसे वेट करेगा। और रोज़ यही चीज़ें देखने को मिलती है, आम जनता को तो अपनी गाड़ी का इंतज़ार करना है, वो नीचे भी खड़े होकर कर लेंगे, बस का इंतज़ार कर लेंगे, लेकिन जिस चीज़ के लिए ये बनाया गया था ये वेस्टेज है, फिजूल है, लेकिन सिर्फ एडवर्टीजमेंट के लिए जो रेवेन्यू इकट्ठा करना है वो प्रॉपर तरीके से जीएमसी की तरफ से किया जा रहा है। अब आप बताइए कि काम जो है वो जम्मू में कैसे हो रहा है। एक तस्वीर मैं आपको और दिखाता हूँ, यहीं पर भी बोर्ड जो है वो लगाया गया है, स्वच्छ और स्वस्थ होगा तभी तो आगे बढ़ेगा जम्मू। क्या यहाँ पर ये बनाया गया है, ये आपके सामने ही तस्वीरें हैं। क्या यहाँ क्लीन जम्मू को हम नाम देख सकते हैं कि पूरे तरीके से यहाँ पर जम्मू क्लीन रखा गया है? फाइन लगाया जाता है अगर आपके गली मोहल्ले में आपने कूड़ा करकट डाला हुआ है, या फिर आप कहीं भी कूड़ा करकट डालेंगे तो ये साफ तौर पर कहा जाता है कि आपको फाइन भरना पड़ेगा, आप इस तरह से कूड़ा करकट नहीं डालिए, अब तो आपके घर तक गाड़ी आती है। लेकिन यहाँ ये देखिए, ये डोगरा चौक की तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं, और वहाँ का हाल देख लीजिएगा, स्वच्छ भारत के क्या हाल है वो भी देखिए, क्लीन जम्मू के क्या हाल है वो भी देखिए, और ये जो स्टैंड बनाया गया है, ये जो शेड बनाया गया है, ये सिर्फ रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए बनाया गया है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि आम जनता के लिए हम काम कर रहे हैं? क्या आम जनता इसका इस्तेमाल कर रही है? क्या आपका कोई भी व्यक्ति यहाँ पर आया, जिन्होंने भी ये काम किया है, आपने देखा उन्होंने काम प्रॉपर किया है या नहीं? यहाँ पर ये पूरा कच्चा बनाकर वो चले गए हैं, और जितनी भी यहाँ पर रेता बजरी है वो बाहर निकल रही है, नीचे मलबा जो है वो आप देख सकते हैं, कोई भी यहाँ पर इसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। क्यों? एक तो इसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा है नीचे से ऊपर तक, और किसी की गाड़ी आएगी अगर उसे जल्दी निकलना होगा तो वो यहाँ से गिर भी सकता है। तो यही सवाल हमारा एडमिनिस्ट्रेशन से है,
स्मार्ट सिटी के लोगों से है, हमारे जम्मू मेयर से भी ये कहते हैं कि जो आप कह रहे हैं कि काम हम प्रॉपर कर रहे हैं, प्रॉपर तरीके से ऑन ग्राउंड में काम हो रहा है, तो ये आपका प्रॉपर जो काम है वो यहाँ पर दिखता हुआ साफ नज़र आ रहा है। तो फिर हम कैसे नहीं कहें कि आप सिर्फ रेवेन्यू के लिए काम करते हैं, आप सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहे हैं, आम जनता के लिए आपका कोई दायित्व जो है वो पूरा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। और अगर आ रहा होता तो हम ऐसी तस्वीरें आपको नहीं दिखाते, ये चीज़ें हम आपको नहीं दिखाते। ये कब से इसी तरीके से है, किसी ने ये यहाँ की सुध नहीं ली, लेकिन यहाँ पर ये एडवर्टीजमेंट का बोर्ड लगाकर चले गए। क्यों? क्योंकि पैसा वहाँ से आना है। आप अपनी कमेंट्स में राय ज़रूर दीजिएगा। ब्रिजेश अवतार के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए नमस्कार।